हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ करेले की रेसिपी। तो मैं जिस तरीके से करेले बनाती हूँ वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। मैं ना ही घंटों पहले उन्हें नमक लगा के रखती हूँ और ना ही कुछ, और वो बिल्कुल खिले खिले और बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल पतले पतले करेले काटती हूँ, गोल इस टाइप से। अगर उनमें पके हुए बीज होते तो बीज निकाल देती हूँ, और मैं मोटी मोटी लंबी लंबी प्याज काट लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए, मैंने अब अपनी प्याज भी काट ली है। ये देखिए, ये मेरी प्याज कट गई है और ये मेरे करेले तैयार हैं कट के। तो अब सबसे पहले मैं अपने करेले फ्राई कर लूँगी। तो मैं जिस तरीके से बनाना आप सिखाऊंगी आप सभी को, तो उसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा नहीं यूज नहीं करती हूँ। ये देखिए, मैंने थोड़ी सी चिकनाई चढ़ा ली, पहले मैं इसमें अपने करेले फ्राई कर लूँगी। देखिए, जब आप इस तरीके से करेले बनाएंगे तो आपको, मतलब पूरे परिवार को बहुत पसंद आएंगे, और ना ही तो खाने में ज़्यादा कड़वे लगेंगे। बच्चे भी, जैसे कुछ घरों में बच्चे करेले नहीं खाते हैं, तो बच्चे और बड़े सभी को ये रेसिपी पसंद आएगी। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जब आप इस तरीके से करेले बनाएंगे तो ये खिले खिले बनेंगे। इस तरीके से पहले इन्हें हल्का गोल्डन होने तक भून लेंगे, और ये बन भी बहुत जल्दी जाते हैं, क्योंकि हमारे करेले तो इस तरीके से पक जाएंगे और प्याज को हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारे करेले लगभग 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, अब हमारे करेले हो गए हैं ये, तो इनको हम निकाल लेंगे। इसे जब आप फ्राई करें तो उसमें हल्का सा नमक डाल लें। तो नमक से क्या होगा कि जो इस, मतलब ये जल्दी पकेंगे और जो एक्स्ट्रा कड़वापन होता है वो भी कम हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, मैं इस तरीके से अपने सारे करेले फ्राई कर लूँगी। अब मैंने करेले सारे निकाल लिए हैं। देखिए, हल्की सी चिकनाई है ये, वही जो करेले पकाए थे जिसमें मैंने चिकनाई में, ये वही चिकनाई है। उसमें ही मैंने थोड़ी सी मेथी दाना डाल दी, और इसमें डाल दूंगी अब अपनी प्याज, क्योंकि प्याज में, अगर हम प्याज को बाद में डालते तो उसमें पानी पानी सा हो जाता है, करेलों में चिपचिपे से बनते हैं। तो पहले इसलिए करेले अलग निकाल के प्याज को हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे, जिससे कि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो ख़त्म हो जाए। इस तरीके से बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, लगातार 2 मिनट तक इसको चलाते हुए पकाना है, और उसके बाद हम इसमें अपने मसाले ऐड कर देंगे। देखिए, मैं करेलों में ना ही खट्टा यूज करती हूँ और ना ही गरम मसाला, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं, बस वही 2-3 मसाले जो डेली के खाने में हम यूज करते हैं। मैं आपको जो भी खाना बताती हूँ वो अपने घर में जो बना रही हूँ वही रेसिपी बताती हूँ, जो कि हेल्थ के पर्पज़ से अच्छी होती है। अब ये देखिए, नमक मैंने डाल दिया है, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। ये डाल दी हल्दी, और ये धनिया पाउडर थोड़ा सा आप डाल दिया, और थोड़ा सा डालूंगी मैं जब करेले तैयार हो जाएंगे उसके बाद, और थोड़ी सी हींग। अब इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देंगे, और उसके बाद हम अपना इसमें करेले ऐड कर देंगे। अब ये मैंने अपने करेले ऐड कर दिए हैं। अब आपको सिर्फ इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाना है, उसी में आपके करेले तैयार हो जाएंगे। अब ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कि करेले हमारे तैयार हो गए हैं, और देखिए बिल्कुल भी ना ही चिपचिपे हैं और बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं। तो आज ही बनाइए अपने घर में, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अब ये देखिए, ये तैयार हैं हमारे करेले।